नमस्कार। आज का जो टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग या अनुकोण प्रतिचित्रण, तो ये बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। तो आज हम देखते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। इससे पहले एनालिटिक फंक्शन की जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। तो इन मैथमेटिक्स ए कन्फॉर्मल मैप इज ए फंक्शन दैट लोकली प्रिजर्व्स एंगल्स बट नॉट नेसेसरीली लेंथ्स। तो जो एंगल को तो प्रिजर्व कर दे लेकिन लेंथ को प्रिजर्व नहीं करे, ऐसा फंक्शन जो होता है उसको हम कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। मोर फॉर्मली लेट यू एंड वी बी ओपन सबसेट्स ऑफ आर एन एंड ए फंक्शन एफ फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड कन्फॉर्मल और एंगल प्रिजर्विंग एट ए पॉइंट यू जीरो इफ इट प्रिजर्व एंगल्स बिटवीन डायरेक्टेड कर्व थ्रू यू जीरो एज वेल एज प्रिजर्विंग ओरिएंटेशन। हियर टू थिंग्स आर प्रिजर्व्ड, वन एंगल एंड सेकंड वन इज द ओरिएंटेशन। तो कन्फॉर्मल मैप प्रिजर्व बोथ एंगल्स एंड शेप ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल फिगर्स बट नॉट नेसेसरली देयर साइज ऑफ कर्वेचर। सो ए रेक्टेंगुलर ग्रिड टॉप एंड इट्स फॉर एग्जाम्पल सी ए रेक्टेंगुलर ग्रिड टॉप एंड इट्स इमेज अंडर ए कन्फॉर्मल मैप बॉटम, इट इज सीन दैट पेयर्स ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री टू पेयर्स ऑफ कर्व स्टिल इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। सो हियर दिस इज द फिगर। सो इन दिस फिगर रेक्टेंगुलर ग्रिड बोर्ड एंड बिलो इज द इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो हियर वी कैन सी दैट इन द ऑन द क्रॉसिंग द एंगल ऑफ क्रॉसिंग हियर इज 90 डिग्री एंड इन द आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो एंगल ऑफ क्रॉसिंग इज स्टिल 90 डिग्री। सो सच टाइप ऑफ मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज कन्फॉर्मल मैपिंग। फॉर मैपिंग इन जनरल मैप कन्फॉर्मल मैपिंग कैन बी डिफाइंड इन एन डायमेंशनल बट इन पर्टिकुलर केसेज फॉर मैपिंग इन टू डायमेंशंस द ओरिएंटेशन प्रिजर्वेशन कन्फॉर्मल मैपिंग आर प्रिसाइजली द लोकली इन्वर्टिबल कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शंस इन टू डायमेंशंस एंड इन थ्री एंड हाई डायमेंशंस लिविल थ्योरम शार्पली लिमिट्स द कन्फॉर्मल मैपिंग टू ए फ्यू टाइप्स। A mapping W equal to FZ is called conformal mapping in any domain D if the magnitude and direction of the angles between the differentiable arcs passing through every point of the domain D remain unchanged. So here two things, magnitude and directions of the angle between the differentiable arc passing remains unchanged. सो इन हिंदी एक प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड किसी प्रांत D में अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि इसके अंतर्गत D प्रांत के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि दिशा और परिणाम जो हैं यदि सेम रहे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर प्रतिचित्रण के अंदर, तो ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रतिचित्रण उसको कहते हैं अनुकोण प्रतिचित्रण या कन्फॉर्मल मैपिंग। अब हम इसका एग्जाम्पल, और यदि रूपांतरण के अंतर्गत प्रत्येक बिंदु पर कोण का केवल परिमाण ही परिलक्षित होता हो और दिशा नहीं, तो ऐसे जो रूपांतरण होता है उसको कहते हैं तुल्यकोणीय रूपांतरण या आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यदि दिशा और मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों ही प्रिजर्व होते हैं, बने रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, तब तो कन्फॉर्मल मैपिंग। और यदि केवल कोण का परिमाण ही परिलक्षित होता है तो उसे कहते हैं तुल्यकोणीय रूपांतरण या आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि लेट एफ जेड इक्वल टू जेड बार फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। देन एफ इज नॉट ए कन्फॉर्मल मैप एज इट प्रिजर्व्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बिटवीन द टू सम्मुत कर्व बट नॉट ओरिएंटेशन, सच ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड आइसोगोनल मैपिंग। सेकेंड एग्जाम्पल कि लेट एफ जेड बराबर ई जेड
देन एफ इज ए कन्फॉर्मल मैप एट एवरी पॉइंट इन सी एज एफ डेस जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू ई जेड नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ईच जेड बिलोंग्स टू सी. द थर्ड एग्जाम्पल इज लेट एफ जेड बराबर साइन जेड देन एफ इज कन्फॉर्मल मैप ऑन सी दिस सी माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू फॉर आल एन बिलोंग्स टू जेड. सो दिस इज ए कन्फॉर्मल मैपिंग फॉर दिस सेट सी माइनस दिस मच. हियर वी चूज दैट एफ डेस जेड शुड नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज एट दैट पॉइंट पर्टिकुलर सिंगुलर पॉइंट्स बिकम वेयर जेड एफ डेस डेरीवेटिव बिकम्स जीरो देन द पॉइंट्स बिकम सिंगुलर पॉइंट्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फॉर्मल मैपिंग एंड आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. सो नो वी सी द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन ऑफ द कन्फॉर्मल मैपिंग कि कब जो है मैपिंग कन्फॉर्मल होगी और कब नहीं होगी. तो उसके लिए हम पहले देख रहे हैं आवश्यक शर्त नेसेसरी कंडीशन. तो वो इस तरह से हैं कि इफ़ डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज ए कन्फॉर्मल मैपिंग ऑफ ए डोमेन डी इन द जेड प्लेन इन टू ए डी डैश ऑफ द डब्ल्यू प्लेन देन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इन टी. यदि W बराबर एफ जेड जेड समतल के डोमेन D से W समतल के डोमेन D डैश में अनुकोण प्रतिचित्रण है तो एफ जेड जो है D में Z का एक विश्लेषिक फलन होता है. तो अनुकोण प्रतिचित्रण होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध यह है कि वो उस बिंदु पर D में विश्लेषिक फलन होना चाहिए. अब हम इसकी आवश्यक शर्त का जो है वो प्रूफ देखते हैं. तो प्रूफ इस तरह से हैं कि क्योंकि बिकॉज W बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई. तो यहाँ पर U जो है एक्स वाई का फलन है यू एक्स वाई और V जो है वी पी एक्स वाई का फलन है. तो माना कि डी डैश तथा डी सिग्मा क्रमशः जेड समतल एवं डब्लू डब्लू समतल में लघु चाप की लंबाइयां हैं. यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि डी एस जो है वो तो जेड समतल में तथा डी सिग्मा जो है वो डब्लू समतल में लघु चाप की लंबाइयां हैं. तो तब डी एस स्क्वायर का जो मान है वो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर एंड डी सिग्मा स्क्वायर का जो मान है वो हो जाएगा डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर. तो इसको समीकरण वन और टू नाम दे रहे हैं. अब चूंकि यू जो था एक्स वाई का फलन था इसलिए डी यू को हम टोटल डिफरेंशियल को यूँ लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई एंड डी वी जो है वो लिख सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई. तो अब हम समीकरण दो को यूज कर रहे हैं तो उसके आधार पर डी सिग्मा स्क्वायर का जो मान है वो कैलकुलेट कर रहे हैं. तो वो इतना बन जा रहा हमारे पास कि डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर. तो इस तरह से ये डी सिग्मा स्क्वायर का मान है. तो अब यदि W जो है एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है तो ये जो अनुपात होता है रेशो डी सिग्मा अपॉन डी एस जो है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है. तो अतः एक और समीकरण एक और तीन की हम तुलना कर रहे हैं कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये हमें मान मिल जा रहा है कि दिस फर्स्ट कोफिशेंट डी एक्स स्क्वायर का है सेकंड कोफिशेंट डी एक्स डी वाई का है और थर्ड वाला जो है डी वाई स्क्वायर का है. तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए एच स्क्वायर मान लिया है. तो तब हम इसको इस तरह से लिख पा रहे हैं सॉल्यूशन प्रतिचित्रण के तुल्य कोणी के लिए आवश्यक प्रतिबंधी हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एंड डेल यू दिस एच स्क्वायर इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल वाई स्क्वायर एंड द ये जो डेरिवेटिव है डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल वाई का जो मान है वो जीरो हो जाएगा. तो अब इस चार और पाँच को हल करने के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं
यदि डेल यू बाई डेल एक्स को पुट करना चाह रहे हैं एच कोस अल्फा एंड डेल वी बाई डेल एक्स को लिख रहे हैं एच साइन अल्फा तथा डेल यू बाई डेल वाई बराबर एच कोस बीटा एंड डेल वी बाई डेल वाई बराबर एच साइन बीटा। तो ये हमने इस तरह से चूज किए हैं कि समीकरण चार जो है वो संतुष्ट हो जाए। तो अब इन मानों को हम समीकरण पाँच में रखेंगे। तो समीकरण पाँच में रखने पे हमें प्राप्त हो जाएगा एच कोस अल्फा एच कोस बीटा प्लस एच साइन अल्फा एच साइन बीटा इक्वल टू जीरो या एच स्क्वायर कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो क्योंकि एच स्क्वायर का जो मान है वो हमारे एच का जो मान है वो नॉन जीरो है। तो इस तरह से ये हमें कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो मिल रहा है। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू या अल्फा का जो मान है वो बीटा प्लस माइनस पाई बाई टू। तो मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं कि यदि नेसेसरी कंडीशंस होने के लिए। तो अब हम अलग अलग के लिए यूज करेंगे इसको। कि पहले हमने अज्यूम कर रहे हैं कि माना यदि अल्फा बराबर बीटा प्लस पाई बाई टू लें तो तब इनके मान कैलकुलेट कर रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स बराबर एच कोस अल्फा बराबर एच कोस बीटा प्लस पाई बाई टू बराबर माइनस एच साइन बीटा। इसी तरह से डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस एच कोस बीटा। तो अब हम देखते हैं कि डेल यू बाई डेल वाई बराबर ये था मान एच कोस बीटा। तो इस तरह से ये मिल जाएगा हमारे को डेल यू बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर डेल वी बाई डेल एक्स। तो अब ये छह जो समीकरण हैं वो इस तरह की हैं कि यदि इसमें v को माइनस वी से प्रतिस्थापित कर दें तो ये समीकरण काशी रीमान समीकरण के समानित हो जाती है समान बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समीकरण छह जो हैं तुल्यकोणीय रूपांतरण के संगत हैं न कि अनुकोण रूपांतरण के। तो इसलिए हम जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यदि अल्फा बराबर बीटा माइनस पाई बाई टू लें तो पूर्व की बातें हम देखेंगे कि ये हमें मिल जाएगा हल करने पर डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स जो कि काशी रीमान समीकरण है। तो इस तरह से परिणामतः डब्लू जो है यू प्लस आयोटा वी का एक वैश्लिक फलन होता है। तो ये W इक्वल टू एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। तो इस तरह से कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन आवश्यक प्रतिबंध ये हैं कि वो जो फलन है एफ जेड ये वैश्लेषिक होना चाहिए। अब हम देखते हैं सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग थ्योरम है। लेट W इक्वल टू एफ जेड बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड जीरो एंड एफ डैश जेड जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ जेड इज कन्फॉर्मल एट जेड जीरो। अब जो है हम सफिशेंट कंडीशन जो है कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए उसका प्रूफ देखते हैं कि लेट जेड बराबर जीटा टू यहाँ पर टी जो है एक पैरामीटर ले रहे हैं एक्स जो जीटा टी बराबर एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी जहाँ पर टी जो पैरामीटर है वो वेरी कर रहा है ए से बी तक बी ए समुद्ध कर्व सी थ्रू द पॉइंट जेड जीरो बराबर जीटा टी जीरो वेयर ए जो है ए और बी का जो मान है टी जीरो जो है ए और बी के मध्य रहेगा एंड लेट सी स्टार बी द इमेज ऑफ सी अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ दैट इज सी स्टार इज पैरामीटराइज बाई डब्लू टी बराबर एफ जीटा टी एंड बाय द चेन रूल वी कैन हैव डी डब्ल्यू बाई डी टी का जो मान है वो मिल जाएगा एफ डैश जीटा टी इंटू जीटा डैश टी। सो इसको समीकरण नंबर एक नाम दे रहे हैं। तो बाय हाइपोथेसिस हमने ये मान रखा है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं है अर्थात जीटा डैश टी इज नॉन जीरो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट वेक्टर टू सी एट द पॉइंट जेड जीरो एज द आर्ग्यूमेंट जीटा डैश टी जीरो विथ रेस्पेक्ट टू द पॉजिटिव रियल एक्सिस। सो फ्रॉम इक्वेशन वन वी ऑब्टेन दैट आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू डैश टी जीरो इक्वल टू आर्ग्यूमेंट एफ डैश जेड जीरो प्लस आर्ग्यूमेंट जेड डैश टी जीरो मोड टू पाई।
First we see that our original argument at z0, that is argument zeta dash t0, is rotated by argument f dash z0. Note that this rotational argument, argument f dash z0, does not depend on the curve C. Now let us take another Sammuth curve C bar through the point z0 with the parameterization zeta bar t, where a where t is varying from a to b, and with z0 barabar zeta bar t0, and let w bar t barabar f zeta bar t. So again by the chain rule, dw bar by dt equal to f dash zeta bar t into zeta bar dash t. So in analogy to equation, similar as to equation 2, we see that the 3 also yields argument w bar dash t0 barabar argument f dash z0 plus argument zeta bar t0 mod 2 pi. So if we subtract through equation 2 from 4, then we obtain that argument w bar dash t0 minus argument w dash t0 barabar argument t zeta dash t0 minus argument zeta dash t0. So mod 2 pi, so which is what we wanted to prove, because the difference in the angle on right side of phi is the angle between the two curves C and C bar, while the difference in the angle on the left side of phi is the angle between the FC and FC bar. So we see that the angle and direction of the angle preserved at the point T0 or Z0. So in this way, this is the sufficient condition. Now we see the equation of circle and inverse point. So if A and C are real constant and alpha is a complex constant and Z is a complex variable, then the general equation of a circle in the complex plane is like this: A Z Z bar plus A Z plus alpha bar Z bar plus C equal to 0, where alpha alpha bar is greater than AC. So this is the equation of circle in complex plane, and its radius, its center and radius are given as follows. Its center equal to minus alpha bar upon A, and value of radius is under the root of alpha alpha bar minus AC upon A square. So this is the equation of circle with radius and center. Now we see the inversion in a circle. So inverse of a point. To invert a number in arithmetic usually means to take reciprocal. A closely related idea in geometry is that of inverting a point. In the plane, the inverse of a point P with respect to a reference circle phi with center O and radius R is a point P dash lying on the ray from O through P, such that OP into OP dash barabar R square. So P dash is known as the inverse of P with respect to circle. If P dash satisfies this condition, that OP into OP dash barabar R square, where P dash lie on the ray OP. So see the figure here, that O and P are points. O is the center of the circle and P is any point. Then we join the OP and extend this and choose a point P dash such that OP into OP dash barabar R square, where R is the radius of this circle. So this is called the inversion, called circle inversion or plane inversion. The inversion taking any point P other than O to its image P dash also takes P dash back to P, so that the result of applying the same inversion twice is the identity transformation on all the points of the plane other than O. So if Z and Z bar Z dash are inverse point with respect to the circle, A Z Z bar plus alpha Z plus alpha bar Z bar plus C equal to 0, then the condition for inverse point becomes A Z dash Z bar plus alpha Z dash plus alpha bar Z bar plus C equal to 0. So we have that the condition becomes, simply replace Z dash by Z
जेड बाई जेड एस इन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, सो वी ऑब्टेन द कंडीशन फॉर इनवर्स पॉइंट. इन पर्टिकुलर केस वेन द सर्किल सेंटर ऑफ द सर्किल इज एट द ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल बिकम्स मोड जेड इक्वल टू आर और जेड जेड बार इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड द कंडीशन फॉर जेड एंड जेड डैश टू बी द इनवर्स पॉइंट इज जेड डैश इन टू जेड बार बराबर आर स्क्वायर. सो दिस इज द पर्टिकुलर केस वेन सर्किल सेंटर ऑफ द सर्किल इज एट द ओरिजिन. सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन द कन्फॉर्मल मैपिंग एंड फॉर नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड इट्स इनवर्स पॉइंट. So for more details you can see the reference book. So thank you. May Dr. R.P. Somani, Associate Professor in Maths. Thank you.